हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है कल की डेट में यहाँ पर तीन वीडियो यहाँ पर आती हुई दिखाई दी थी और कल निफ्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि क्या एग्जैक्टली exactly हो सकता है और सेम एग्जैक्टली exactly वैसा ही होता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दिया तो हम गिरावट के लिए भी प्रिपेयर थे और हम प्रिपेयर थे कि यहाँ पर एक जंप आएगा क्योंकि यहाँ देख लिया था बुलिश ट्रेंड होने वाला है तो जो हमारे टारगेट नज़र आ रहे थे उसी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे और कुछ स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे जहाँ पर कुछ गिरावट होती हुई नजर आई है क्योंकि वो शेयर लोअर सर्किट अपर सर्किट में ही चलने वाले शेयर है तो उसमें अगर बहुत सारी कंपनीज़ है जो यहाँ पर अच्छी नज़र आती है थोड़ी सी रिस्की है

क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं है थर्टीन परसेंट यहाँ पर दे रखा है ओके okay, ज्यादा यहाँ पर मतलब एटीन परसेंट का यहाँ पर जंप है बट यहाँ पर एटीन परसेंट साल में अगर मिल जाते हैं निफ्टी में बहुत अच्छे रिटर्न होते हैं ओके okay, पहली बात दूसरी बात अगर मैं आपको चीजें बताऊं तो यहाँ पर अभी खुश होने की जरूरत नहीं है जिस तरीके से गिर रहा था वो प्राइवेट पॉइंट आपको बता के बताया था कि यहाँ से अगर गिरावट हुई तो आप ये मार्केट और गिरेगी तो गिरती हुई दिखाई दे इसी तरीके से जब तक मार्केट ये पर्टिकुलर पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर ना कर दे यहाँ से ऊपर ना जाए सत्रह छह सौ सत्तर से

थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंट बना के रखना पड़ेगा थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि अभी फेड की एफओ की मीटिंग एज वेल एज हम बात करें यहाँ पर बजट ये सब चीज यहाँ पर आ रही है तो हमारे मार्केट दुनिया के मार्केट यहाँ पर सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं तो एक अच्छा पॉइंट है बट स्टिल हमें प्रिपेयर और कॉशियस रहना बहुत जरूरी है और सेम अगर हम बात करें यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप और सारी की सारी बैंकिंग सेक्टर और सारे के सारे चीजों में यहाँ पर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर देखिए सेम एज इट इज यहाँ पर दिखाई दे रहा था ओके okay, ये ये इसका पाइवेट पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है और यहीं से ही लगभग नीचे उसके बराबर ही आके ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया तो यहाँ पर फिर भी यहाँ पर ये यह नीचे का लेवल है ऊपर का लेवल जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा इस लेवल को ओके okay, इसके बाद इस लेवल को एक एक लेवल को यहाँ पर जब तक क्रॉस नहीं कर रहा तब तक ऊपर जाने के चांसेस अभी थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन आप समझिए कि ऊपर कंसोलिडेशन यहाँ पर दिखाई देता है इसके अलावा हम बात करें स्मॉल कैप की तो आपको स्मॉल कैप की भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं, तो आपको चीज समझ में आ जाएगी निफ्टी स्मॉल कैप बट एट जाना कहा है जाना ऊपर ही है तो इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा जाना ऊपर ही है

नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर पर स्टॉक से रिलेटेड गिरते हुए छह महीने के अंदर अंदर बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर आपके बनते हुए दिखाई देंगे उनमें से पहले स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो पहला स्टॉक है यहाँ पर एश्रॉप ई रिटेल इससे पहले भी एक सौ साठ रुपए पे दिखाया था एक सौ साठ के बाद एक सौ बावन पे चल रहा है बट यहाँ पर एक बोनस मिला था मैंने बीच में आपको वीडियो बनाई थी और बताया था कि बोनस कंपनी देती हुई नजर आएगी उसके बाद 160 से सीधे टू टू तक यहाँ गई उसके बाद नीचे आया शेयर शेयर जाने के बाद स्प्लिट हुआ फिर ऊपर गया और अभी लोअर दो दिन से लोअर सर्किट लग रहा है कल इसकी यहाँ पर रिजल्ट आए थे बट माइक्रो कैप कंपनी है जब तक अच्छा है तब तक अच्छा है जब बुरा हो जाएगा तो बहुत बुरा होगा तो इस चीज को याद रखिएगा बट चीजें यहाँ पर अच्छी खासी नजर आ रही है बहुत बार वीडियो बनाइए उसके फंडामेंटल समझाए तो इस वीडियो को देख लीजिएगा बट यहाँ पर अगर मैं चीजें दिखाऊं तो देखिए नौ रुपए का स्टॉक किस तरीके से यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया वो आपके सामने है यहां पर कुछ चीजें यहाँ पर देखेंगे तो देखिए कल रिजल्ट आए थे अगेन कंपनी ने कंसिस्टेंट बेसिस पे हाइएस्ट एवर रिटर्न एज वेल एज हाइएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया है तो यही चीजें फैसिनेट करती है कि कंपनी लगातार परफॉर्मेंस देती आ रही है लगातार

एएसआरएल की बात करूं तो यहाँ पर आप देख लीजिए एएसआरएल के नाम से आपको शेयर मिल जाएगा दो दिन से यहाँ पर ये लोअर सर्किट लगा फिर ये लोअर सर्किट लगा मेन यहाँ पर जब तक ये इस पॉइंट को यहाँ पर क्लियर नहीं करेगा ओके एग्जैक्ट लेवल बताइए तो एक सौ पिछहत्तर पॉइंट पचपन मतलब एक सौ छिहत्तर को पॉइंट क्रॉस नहीं करेगा तब तक, तक, तक यहाँ पर मत सोचिए कि ये शेयर यहाँ पर अच्छा है ओके okay, अभी बेहतरीन रिजल्ट आया है बेहतरीन सब कुछ नजर आया है यहाँ पर थोड़ा शेयर अगर गिर जाता है वन थर्टी के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ पर बाई एंड करने की मेरी रणनीति रहेगी ओके okay, और मैं भी इसमें कोशिश करूंगा की ऐसे शेयर में यहाँ पर दोबारा पैसा डाले क्यों क्योंकि अपर सर्किट में ही जाएगा लोअर सर्किट में नीचे आएगा इस चीज को भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है तो ए एस आर एल एक शेयर है इसके अलावा एक और शेयर से रिलेटेड हम बातें करेंगे जिसका नाम है चेन्नई पेट्रोकेम तो यहाँ पर देख लिए पेट्रोल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन सॉरी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन तो अगर हम यहां पर देखें स्मॉल कैप कंपनी है याद रखिए पैसा बनेगा तो स्मॉल कैप मिड कैप में बनेगा लार्ज कैप में इतना पैसा नहीं बनेगा बट लार्ज कैप में यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन ज्यादा रहेगा इधर सेफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर सेफ्टी नहीं थोड़ा यहाँ पर रिस्की स्टॉक्स रहेंगे मार्केट कैप पंद्रह करोड़ रुपए का है पैसा यहीं पर ही बनेगा बट याद रखिएगा दो के पी पे शेयर मिल रहा है और सोलह और बारह का आर ओ है डेट की बात करें कंपनी का बहुत ज्यादा यहाँ पर डेट है और एक रुपए का इसका आई के बाद नीचे आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कंपनी काम क्या करती है यहाँ पर देखिए इज इन द बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल एडेप्टिव पर एक कंपनी लुब्रिकेंट ऑयल से रिलेटेड यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाती हुई दिखाई देती है और यहाँ पर रिफाइनिंग क्रूड ऑयल टू प्रोड्यूस सप्लाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाती हुई दिखाई देती है यहाँ पर सब चीज से रिलेटेड यहाँ पर दे रखा है कभी जब पूरी वीडियो बनाएंगे तो हम यहाँ पर बात करेंगे बट अभी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल कैप का मतलब क्या होता है ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया गया नीचे गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर चीजें चलती है और जिस अभी कम, इस कंपनी को बताने के पीछे क्या है तो इस कंपनी को बताने के पीछे है इसके रिजल्ट तो कंपनी थोड़ा रिस्क रहेगा याद रखिएगा अगेन मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी कंपनी रिस्क कंपनी है बट कंपनी फैसिनेट कर रही है क्यों क्योंकि कंपनी यहाँ पर अगर देखे तो यहाँ पर मार्च 2019 और जून 2020 में Uh, 2019 दो हजार पर, अच्छे खासे रिजल्ट आते थे, यहाँ पर में एवर यहाँ पर, uh, सेल्स आती एक डेढ़ सौ साल बाद आई है और नेट प्रॉफिट जो घाटे में थी कंपनी ओके यहाँ पर हाईएस्ट लेवल यहाँ पर पिछले बारह क्वार्टर में अगर बात करें इस ये दो पॉइंट्स को हम हटा दे जून दो हजार बीस और दो हजार जून दो हजार बीस और सेप्टेम्बर दो हजार बीस को तो दिसंबर के बाद यहाँ पर अभी दिसंबर 2021 में हाईएस्ट एवर से प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया है जो कि एक अच्छी बात है यहाँ पर स्टैंडर्ड लॉन्न चल रहा है कंसोलिडेट भी लगभग लगभग सेम ही यहाँ पर दिखाई देता है इसके अलावा ईयरली बेसिस पे कंपनी दोबारा यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है नेट प्रॉफिट की बात करें नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का हाईएस्ट एवर आता हुआ दिखाई दे रहा है रिजर्व्स की बात करें कंपनी का रिजर्व है बट बॉरिंग भी यहाँ पर साथ साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वर्किंग प्रोग्रेस में लगभग पंद्रह सौ करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट वन नाइनटी सेवन और कैश की बात करें तो कंपनी का कुछ खास यहाँ पर कैश नहीं नजर आता प्रोमोटर्स के पास सिक्सटी की एफ ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हिस्सेदारी बढ़ाई है डीआईएस की हिस्सेदारी थोड़ी सी यहाँ पर स्लाइटली कम हुई है और पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास से भी हिस्सेदारी यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है और बड़े बड़े लोगों ने उसमें से हिस्सेदारी ले रखी है तो यहाँ पर हम चेन्नई पेट्रो की बात करें तो देखिए हाईएस्ट जब नंबर आते हैं ओके okay, तो अगर शेयर यहाँ पर थोड़ा सा गिरता है और एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है बट तो पर अगर जैसे कि कि मैंने आप दिखा दिया है पहले कंसोलिडेशन कंपनी बहुत ज्यादा यहाँ पर कंसोलिडेशन करती है एज वेल एज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहती है कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश होकर चलना है कि कभी भी नंबर बिगड़ते हुए नजर आते हैं कभी भी नंबर अच्छे होते हुए दिखाई देते हैं आज के दिन कुछ यहाँ पर खास ऊपर गया था ओके okay, ऑलरेडी फिर उसके बाद दोबारा नीचे आता हुआ दिखाई दिया बट यहाँ से एक शेयर मुझे अच्छा नजर आता है क्यों नजर आता है अच्छा तो यहाँ पर अगर देखेंगे कंपनी यहाँ पर यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया फिर यहाँ सपोर्ट लिया ओके okay, यहाँ पर आप देखिए काफी बार कंपनी ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर सपोर्ट लिया है इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो नीचे भी लगभग यही ही यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर नजर आते हैं ओके okay, एक कंस, यहाँ पर एक अगर हम बात करें तो लगभग एक साल से एक साल से भी ज्यादा से एक कंसोल्टेशन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है इसी कंसोलिडेशन में ये शेयर जा रहा है बट कंपनी के जब नंबर अच्छे खासे आ गए तो यहाँ से चीजें ऊपर निकलना कोई बड़ी बात नहीं है नीचे आया है ऊपर जाने की पूरी काबिलियत रखता है पर्टिकुलर शेयर तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं जब तक ये यहाँ पर एक सीधा टारगेट स्विंग ट्रेड में आपको बता रहा हूँ मैं कोई लॉन्ग लॉन्ग टर्म के व्यू से नहीं बता रहा हूँ देखिए अगर किसी को 34-35 परसेंट के रिटर्न चाहिए तो देखिए एक लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है इस पर्टिकुलर शेयर में मुझे नजर आता है कि थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट हो सकती है गिरावट की बात करें लगभग पे शेयर आ रहा है तो सात की गिरावट हो सकती है सात का स्टॉप लॉस लगाने लगाइए नई भी लगाना चलेगा तो चीजें ऊपर जाती हुई नजर आ रही है और लगभग पैतीस के रिटर्न अगले क्वार्टर के रिजल्ट से पहले यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो किसी को अगर ऐसी रिस्क की बैट भी लेनी है तो वो यहाँ पर ले सकता है इसके अलावा बा एक को पार्टिकुलर टॉक्सिसिटी हम बातें करेंगे जिसका नाम क्या है जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट दीपक नाइट्राइट की बात करूं बेहतरीन कंपनी आपको पता ही है ओके इनके मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट थी जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट अगर मैं यहां पर बात करूं तो कंपनी यहां पर यहां पर देख सकते हो ओपीएम यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़े से गिरते हुए नजर आए थे बट कंपनी के जो है, रिजल्ट है वो बेहतरीन रिजल्ट थे क्वार्टरली बेसिस थोड़ी सी गिरावट थी बट ईयरली बेसिस बात करें कंपनी के अच्छे खासे रिजल्ट आए इसकी वजह से शेयर यहाँ पर पांच से छह परसेंट करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया बट स्टैंड लॉन्ड नंबर की बात करें वो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे खासे बढ़ते हुए हमें नजर आया और कंपनी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ में अच्छी खासी कंपनी है ऑलरेडी बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर दे चुकी है एफ की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है डी की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है और यहाँ पर पब्लिक पास भी अच्छे खासे शेयर है एज वेल एज प्रोमोटर्स के पास भी शेयर है अगर दीपक नाइट्राइट की हम यहाँ पर बात करें तो दीपक नाइट्राइट यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर अच्छा खासा नीचे आया था नीचे आने के बाद ऊपर गया यहाँ पर भी गिरावट हुई थी तब नीचे आया था अगेन यहाँ गिरावट हुई है दोबारा आया रिजल्ट का इम्पैक्ट था थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे नहीं नजर आता कि शेयर थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा गिरेगा ओके तो पचास साठ रुपए सौ तो रुपए अगर गिर जाता है एक अपॉर्चुनिटी रहेगी दोबारा और इसके बाद जब चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी तो एक अच्छे आर एस आई पे शेयर चल रहे और यहाँ पर से जब थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद चीजें निकलेगी तो अच्छे खासे तीन के लेवल को भी क्रॉस करती हुई नजर आएगी तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर तीन शेयर है इनकी तरफ नजरें बना के रखिए ए एस आर एल एज वेल एज दीपक नाइट्राइट एज वेल एज यहाँ पर चेन्नई पेट्रोल ये कंपनी आप बेहतरीन नजर आती है गिरावट हो रही है फायदे वाली चीज है जब भागेगी तो अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, हम मारा नंबर है नीचे तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस